Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to another video. आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ Daihatsu Tantu 2012 मॉडल का. ये 2012 मॉडल है और 2016 की इंपोर्ट है. फ्रंट पर बेसिक हेडलाइट्स है, विद टर्न सिग्नल. Daihatsu का एम्बलम है, ग्रीन कलर में गाड़ी है, फॉग लैंप्स नहीं है, अलॉय व्हील्स इंस्टॉल्ड है, ग्राउंड क्लियरेंस ठीक है, ज़्यादा खास भी नहीं है. बॉडी कलर इसके साइड मिरर जिनके ऊपर टर्न सिग्नल कोई नहीं है. आपको सिल्वर कलर के डोर हैंडल्स मिलेंगे और बैक लाइट डिज़ाइन आप इसका देखें. इससे पहले भी मैंने Daihatsu Tantu का रिव्यू किया, अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और कमेंट सेक्शन में भी. इसके बैक पे विंडशील्ड वाइपर मौजूद है, ऊपर ब्रेक लाइट और टांटो. थोड़ा सा पीछे से आपको दिखाता चलूं तो एक कुछ इस तरह की वैन टाइप सी गाड़ी है. इस वीडियो को एंड तक देखिएगा. तो ये बेसिक चाबी है जी Daihatsu Tantu की, इसको हम ऑन कर लेते हैं. ओके जी, दरवाजे में आपको पावर विंडोज़ के स्विच, डिटेक्टेबल मिरर्स के स्विच है, फोल्डेबल मिरर्स, इको आइडल इसके अंदर मौजूद है, हेडलाइट कंट्रोल, 3 स्कोप इसका स्टीयरिंग व्हील है, इसके ऊपर लेदर कवर इंस्टॉल्ड है, प्लास्टिक स्टीयरिंग व्हील है, SRS एयरबैग एक स्टीयरिंग व्हील पर और एक आपको फ्रंट पे डैश पर मिलेगा. इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका सामने है. सीट्स में आपको पहले दिखाता चलूँगा. सोफ़ा सीट्स हैं इसकी, एडजस्टेबल सीट्स हैं, सीट्स को आप एडजस्ट कर सकते हैं. बैक पर मैं आपको दिखाता चलूँ, बैक पर स्पेस काफ़ी डिसेंट है, लेग स्पेस, हेड स्पेस दोनों आप देख सकते हैं, काफ़ी टॉल गाड़ी है. केबल लाइट पीछे मौजूद है, एक दरमियान में मौजूद है. हेड, लेग स्पेस और हेड स्पेस दोनों डिसेंट हैं. इसके अलावा 50-50 का स्प्लिट है सीट में. हेडरेस्ट मौजूद है, सेफ्टी के लिहाज से सीट बेल्ट मौजूद है. ये आप देखें, यहाँ पर पावर विंडोज़ हैं. इंजन साइड पर मैं इसके आ चुका हूँ गाड़ी के. ये है इसके अंदर 660 cc का इंजन, वोल्टा की बैटरी इंस्टॉल्ड है और ये 17-18 किलोमीटर्स तक की माइलेज आपको प्रोवाइड करती है. एसी जो है इसका काफ़ी इंप्रेसिव है, काफ़ी अच्छा थ्रू प्रोवाइड करता है और इस गाड़ी के अंदर ABS ब्रेक्स वगैरह भी इंस्टॉल्ड है. थोड़ा सा बैक से लुक देता चलूँ, कुछ इस तरह की ये गाड़ी है, वैन टाइप सी और काफ़ी इंप्रेसिव थ्रू ये प्रोवाइड करती है. पहले मैं Daihatsu Tantu को स्टार्ट कर लेता हूँ, उसके अंदर पुश स्टार्ट नहीं, इसलिए आपको चाबी से स्टार्ट कर रहे हैं. चाबी हम इंसर्ट करते हैं. ओके जी, Daihatsu Tantu स्टार्ट हो चुकी है. पहले मैं आपको बताता चलूँगा इसका पावर स्टेयरिंग. स्पीकर डस्ट हम सबसे पहले इसको चेक करते हैं. स्पीकर फ्रंट पे मौजूद है, इंफोटेनमेंट सिस्टम इसका बेसिक है. इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करना चाहूँगा, फुल डैश पर डिस्प्लेड है. थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाऊं, 0 to 140 किलोमीटर तक जा सकता है. ये आपको गियर इंडिकेटर है जो आपको बता रहा है कि इस वक्त किस गियर में मौजूद है गाड़ी. और ट्रिप मीटर मौजूद है, ये डिजिटल थोड़ा सा डिस्प्ले आपको मिल रहा है लेफ्ट साइड पर डैश के, जो कि आपको फ्यूल गेज और ट्रिप की मालूमात फराम कर रहा है. कप होल्डर मौजूद है, एयर वेंट्स. अच्छा, इस वक्त इसका AC ऑन है और काफ़ी अच्छा ये रिस्पॉन्सिव थ्रो मुझे प्रोवाइड कर रही है, काफ़ी अच्छा थ्रो मुझे ये प्रोवाइड कर रही. 660 cc गाड़ी है और आप ये देखें कि ऑटोमेटिक ड्राइवर साइड इसकी विंडो है. इसके अलावा फोल्डेबल मिरर्स का स्विच है. दोबारा ऑन करने के लिए हम इसको पीछे करेंगे, ये स्विच है. अगर इसको लेफ्ट पे मोड़ेंगे तो लेफ्ट वाला एडजस्ट होगा, राइट पे करेंगे तो राइट वाला एडजस्ट होगा. अभी मैं अपनी तरफ एडजस्ट कर लेता हूँ ऊपर नीचे इसको, यानी कि नॉब को ऊपर नीचे प्रेस करने से जो है मिरर एडजस्ट कर सकते हैं. तो ओवरऑल काफ़ी इंप्रेसिव थ्रो है. नीचे हम चेक कर लेते हैं, स्टोरेज स्पेस मौजूद है, आपके पास ऑक्सिलरी पोर्ट, आपके पास चार्जिंग डॉक मौजूद है. फ़ैन हम फुल कर लेते हैं, ज़बरदस्त हवा थ्रो कर रहा है. हैज़र्ड्स, ये है इसका गियर लीवर, टेम्परेचर कंट्रोल और आई एम रियली अमेज्ड बाय द परफॉर्मेंस ऑफ इट. ये आप देखें, ड्राइवर साइड पर भी नीचे थोड़ी सी स्पेस मिलती है. ग्लव बॉक्स आपको चेक करा देता हूँ मैं, ऊपर भी आपके पास स्टोरेज स्पेस मौजूद है. आप ये दरमियान में देखें, आर्म रेस्ट के अंदर भी थोड़ी सी स्पेस मौजूद है, जिसको आप ऊपर भी कह सकते हैं. अब मैं आपको इसका थ्रॉटल रिस्पांस चेक करवा देता हूँ. ट्रंक स्पेस में अभी Daihatsu Tantu की चेक करने लगा हूँ. यहाँ पर नॉब है, इसको आप अपनी तरफ पुल करेंगे और इसको ओपन कर लें. इको आइडल के साथ आती है ये. ओके, ट्रंक स्पेस अभी मैं इसकी चेक कर रहा हूँ. एज इसके अंदर आप देखेंगे कि 50-50 का स्प्लिट मौजूद है, आप ऊपर नीचे कह सकते हैं, सीटों को एडजस्ट कर सकते हैं. आप ये देखेंगे यहाँ पर स्पेयर ट्यूब वगैरह मौजूद है, नीचे स्पेयर टायर मौजूद है, दैट्स अ रियली गुड थिंग. थोड़ा सा पीछे से आपको मैं स्पेस दिखाता चलूँ, स्पेस कम है, मतलब मिनिमम स्टोरेज कर सकते हैं, बैग वगैरह रख सकते हैं.
ओवरऑल काफ़ी सॉलिड कार है, काफ़ी वेल बिल्ट है, ये जापानी गाड़ी है, 2012 Daihatsu Tanto, सो स्पेस इज़ वेरी गुड इन द बैक। ड्राइवर साइड पर नो विनिटी मीटर, दरमियान में लाइट्स मौजूद हैं, लेफ्ट साइड भी विनिटी मीटर नहीं है। ओवरऑल इम्प्रेसिव डिज़ाइन है वैन का, बैक स्पेस सामने देखी, ट्रंक स्पेस देखी, 600cc इंजन के साथ आती है और काफ़ी इम्प्रेसिव इसका क्लाइमेट कंट्रोल है विद एसी। ये है 2012 मॉडल और 2016 की इम्पोर्ट है और इसकी करंटली डिमांड है 8.5 लाख रुपये। 2012 Daihatsu Tanto, 2016 की इम्पोर्ट आपको मिल जाएगी यहाँ से, सजाद मोटर्स यूनाइट मार्केट इस्लामाबाद से। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे से इफ़ यू वांट इन्फॉर्मेशन मोर अबाउट कार, और अगर आप इस गाड़ी को परचेज़ करना चाहते हैं। इसका बेसिकली गियर लीवर है एंड दैट्स प्रीटी मच ऑल। एक दफ़ा मैं फिर आपको ये स्टार्ट करके इसका साउंड चेक करा देता हूँ। काफ़ी अगर आप देखें कैबिन नॉइज़ जो है काफ़ी कम है इसके अंदर। आपको एक चीज़ का मैं इजाफा करता जाऊँगा, इसके टर्न सिग्नल राइट पर ही हैं और बाकी इको आइल का स्विच भी राइट साइड पर मौजूद है। आई होप आपको पसंद आया रिव्यू, मुझे फेसबुक पे फॉलो करें, इसका नाम है अली मलिक 50, इसकी डिटेल अंदर बाय से मैं तस्वीरें दूंगा। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप गाड़ी इंटरेस्टेड हैं परचेज करने में तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, वहाँ पर भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।